वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट करियर पॉइंट भालकी में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम देखेंगे ब्रिज कोर्स, बेसिक कोर्स का पार्ट 7। आज का जो टॉपिक है परसेंट, फीसद, यानी कि हम फ्रैक्शन कंटिन्यू कर रहे हैं। फ्रैक्शन को किस तरह से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, और परसेंटेज को किस तरह से फ्रैक्शन में लिखेंगे, ये हम आज की क्लास में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको मेरे चैनल पर मैथ्स का फुल बेसिक कोर्स कराऊंगा, उसके पास आपको सिलेबस भी स्टार्ट करूंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक कोर्स के पिछले 6 वीडियोज भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज किस तरह से मालूम करें। सबसे पहले जो परसेंट है, इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लेरिफाई कर लेंगे हम। सबसे पहले देखिए, जो परसेंट है वो इस तरह से है, पर प्लस सेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, हर 100 के लिए, देखिए ये हर 100 के लिए, 100 के लिए बोला जाता है। अगर उर्दू में अगर हम देखेंगे, अगर किसी कसर में नसब नुमा में 100 हो तो, 100 हो तो वो फीसद होता है, ठीक है। अगर आपको डिवाइड में 100 मिल रहा है तो आप समझ जाना कि वो परसेंटेज है, यानी कि आपको परसेंटेज मालूम करने को कह रहा है। तो आसानी से, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मिसाल के तौर पे एक कसर है हमारे पास ए बाई बी, इसको बोलेंगे न्यूमरेटर और इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर, यानी कि उर्दू में बोलेंगे शुमार कुनिंदा और इंग्लिश में और नसब नुमा बोलेंगे, ठीक है। नसब नुमा में अगर 100 आता है तो आप समझ जाना कि उसके अंदर आपको परसेंटेज मालूम करने को बता रहा है। जस्ट हम एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे। मिसाल के तौर पर आप देखिए, 7/100, ऐसा अगर कह रहा है तो 7 का 100 में से कितना होगा परसेंटेज दिखाने को बोल रहा है। 7 का 100 में से परसेंटेज 7% होता है। और एक अगर आप एग्जांपल देखेंगे, 70/100, यानी के 70%, इस तरह से आपको बताया जाता है स्टूडेंट्स। तो हम इसको जो है ना, चलिए एक दो एग्जांपल लेकर अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रैक्शन को किस तरह से परसेंटेज में लाया जाता है। चलिए देखिए, मिसाल के तौर पे किसी के मार्क्स हम लेंगे। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है जो एग्जाम में 12 नंबर लिया है आउट ऑफ 20 में। अभी इसका हम परसेंटेज मालूम करके देखेंगे, यानी कि 12 लिया है 20 में तो 100 में से कितना होगा परसेंटेज, जिसे के पता करते हैं। देखिए, इसको 12/20 × 100 करते हैं। परसेंटेज का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, इस तरह से लिखते हैं। अभी देखिए, यहां से क्या होता है हमारे पास, ये 0 से 0 कट गया, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 हो गए, ठीक है। अब 12 × 5 = 12, 5 कितने होंगे 60। तो अगर ये 20 में से 12 नंबर लेगा तो 100 में से 60 नंबर लेगा, यानी कि 60% इसका फीसद होता है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। चलिए और एक एग्जांपल लेकर हम इसको समझते हैं। चलिए, आपके सामने दो क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, जो 15 मार्क्स लिया है 20 में, और एक है स्टूडेंट बी जो 16 मार्क्स लिया है 25 में। तो हमें ये पता करना है कि दोनों में से ज्यादा मार्क्स कौन लिया है। तो हम कैसे मालूम करेंगे कि दोनों का परसेंटेज मालूम कर लेंगे, ए ज्यादा नंबर लिया है या बी ज्यादा नंबर लिया है, हम उसके परसेंटेज के हिसाब से मालूम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम इसका परसेंटेज निकाल कर देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर परसेंटेज के लिए आपके पास फॉर्मूला है 15/20 × 100, यानी कि 100 के लिए करते हैं। देखिए, यहां से क्या होता है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 × 1 = 2, 5, ठीक है। अब देखिए, 15 × 5 करना है आपको, 15 × 5 कितना होता है 75 इसका परसेंटेज है। स्टूडेंट ए जो है 75%, यानी कि
20 में अगर 15 लिया है तो 100 में से 75 मार्क्स हासिल करेगा। अभी देखेंगे स्टूडेंट बी के लिए, अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं, इनटू 100 कर रहे हैं। चलिए 25 से कट जाता है, देखिए 25 1 25 4 होता है, ठीक है। चलिए देखेंगे क्या होता है, चलिए देखिए क्या होता है हमारे पास, 16 × 4 आप करेंगे तो वो जो आपका हो जाएगा देखिए 64%। तो स्टूडेंट्स देखिए कौन सा स्टूडेंट ज्यादा मार्क्स लिया है, जाहिर सी बात है स्टूडेंट ए ने 75% हासिल किया है और स्टूडेंट बी ने 64% हासिल किया है। तो परसेंटेज मालूम करने के लिए और एक आपके पास मेथड है, वो एक मेथड कर लीजिए, उसके बाद हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बताएंगे आपको। चलिए और एक एग्जांपल से हम करके देखेंगे कि किस तरह से परसेंटेज आप मालूम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि परसेंटेज अगर मालूम करना है आपको तो इनटू 100 के लिए होता है। तो देखिए 12/20 है, तो इसको अगर मुझे 100 बनाना है तो देखिए 20 को मैं किससे मल्टीप्लाई करा तो 100 बनेगा, 5 से, 25 × 100। तो अगर यहां 5 किए हैं तो यहां पे भी आपको 5 करना पड़ेगा। देखिए कितना होता है, 12 × 5 हो जाएंगे 60 और 20 × 5 हो जाएंगे 100, यानी कि 60/100 बोले तो स्टूडेंट हो जाता है 60%। आपको मैं एग्जांपल में बता चुका हूं, इसी तरह से आप इसको करके देख लीजिए, 16/25 है। अभी देखिए 25 किससे मल्टीप्लाई करें तो 100 हो जाएगा, 4 से, अगर 4 यहां पे लिए हैं तो आपको यहां पे भी लेना होगा। 16 × 4 = 64 होते हैं, डिवाइड 100 होता है, इसका मतलब हो जाएगा ये 64%। तो स्टूडेंट्स ये दूसरा वाला मेथड है, इस तरह से भी आप परसेंटेज मालूम कर सकते हैं, लेकिन पहला वाला मेथड आपके लिए इजी है, आप उसको रख लेकर आराम से आप अपना परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि किस तरह से परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर आपको दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक डिजिट है 80% आपके पास दिया हुआ है, इस 80% को हम फ्रैक्शन में आपको कैसे करना है दिखाएंगे। चलिए अभी देखिए, क्योंकि परसेंटेज 100 को होता है तो 80 को डिवाइड आप 100 रख लीजिए, ठीक है। अभी देखिए यहां से क्या होगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10। अब देखिए 4/5, ये हम फ्रैक्शन बनाए हैं। तो चलिए आपको जो ऊपर में क्वेश्चन कराया हूं उसको लेकर आपको दिखाता हूं। देखिए ये जो 60% है आपके पास, देखिए आंसर आना है 12/20 आना है। चलिए तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, 60/100 कर लेंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक है। अभी देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10। क्या हो रहा है देखिए आपके पास, 3/5 आ रहा है, ठीक है। अभी देखिए यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास, आना था आपके पास 12/5 लेकिन आ गए यहां पर 5, यानी कि अगर देखिए आपको क्या करना होगा, 4 से दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए 3 × 6 = 12 हो जाएंगे, 5 × 6 = 20 हो जाएंगे, वही आंसर आपका आएगा। इसका भी आप परसेंटेज निकालेंगे तो आपका 60% ही आएगा स्टूडेंट्स। चलिए और एक देखेंगे आपका, और एक हम किए थे 64 वाले का, 64% देखिए क्या आता है आपके पास, 64/100 कर लीजिए, देखिए क्या होगा आपके पास। देखिए स्टूडेंट्स इसको कट करेंगे हम, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 0, ठीक है। आपके पास आ गया 32/50, लेकिन आपको चाहिए 16/25। अभी देखिए यहां से क्या होता है, 2 × 1 = 2 यानी कि 2 × 1 = 2, 1 = 2, 6 = 2, 2 = 4, 1 = 2, 5 = आ गए आपके पास 16/25। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका आंसर। ये जो कसर आप लिखे हैं फ्रैक्शन, ये शॉर्ट होता है, देखिए 4 × 3 = 4 × 12 होते हैं और 4 × 5 = 20, यानी कि जहां तक आपका शॉर्ट होता है वहां तक आपको करना रहता है, इसलिए आंसर आपका ये आया था स्टूडेंट्स, ठीक है। उम्मीद करता हूं जो आपको फ्रैक्शन में बताया हूं, यानी कि फ्रैक्शन से हम परसेंटेज मालूम करें और परसेंटेज से फिर से रिवर्स हम फ्रैक्शन मालूम करें हैं। चलिए आपके लिए कुछ होमवर्क देता हूं।
तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए होमवर्क है। सबसे पहले जो आपको दो करना है फ्रैक्शन से आपको इसका परसेंटेज पता करना है और यहाँ पे दूसरा जो है परसेंटेज से आपको इसका फ्रैक्शन पता करना है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।